दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा था कि हमें अपनी वेट इंक्रीज करना है और वो भी बहुत जल्दी, तो हम कैसे अपना वेट फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपना वेट हेल्दी तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना हेल्दी वेट इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 21 डेज के अंदर अराउंड 5 kg तक। जो मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको उसको फॉलो करना है फॉर एटलीस्ट 21 डेज और आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, वेट इंक्रीज दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनहेल्दी वेट गेन, जिसमें आपका वेट इंक्रीज तो होता है लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी का फैट भी इंक्रीज होता है। जब आपकी बॉडी का फैट इंक्रीज होता है तो आपको बहुत से उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत से डिजीज होने का खतरा रहता है, लाइक डायबिटीज से लेके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस तक आपको होने का खतरा रहता है अगर आपका अनहेल्दी वेट इंक्रीज होता है, अगर आपका फैट इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में। वहीं अगर आपका हेल्दी वेट इंक्रीज होता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जिसके अंदर आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है लेकिन आपका फैट इंक्रीज नहीं होता, ओवरऑल बॉडी का मसल मास इंक्रीज होता है, जिससे आपको एक अच्छा वेट और एक अच्छा शेप मिलता है बॉडी का और आप मस्कुलर और साथ ही साथ शेप में दिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ वेट इंक्रीज के, हेल्दी वेट इंक्रीज के, उसे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके वेट को इंक्रीज करने का। बहुत ही हेल्दी तरीके से आपका वेट इंक्रीज होगा, आप शेप में भी रहेंगे, साथ ही साथ आप अच्छे दिखेंगे, एक अच्छे शेप में आप अट्रैक्टिव दिखेंगे अगर आप इस टाइप से वेट इंक्रीज करते हैं। अगर आप अनहेल्दी तरीके से वेट इंक्रीज करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपका अगर अनहेल्दी तरीके से वेट इंक्रीज होता है, अगर आपका फैट इंक्रीज होता है, तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप हेल्दी तरीके से कैसे अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 21 डेज के अंदर अराउंड 5 kg। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताए गए सारे मेथड्स को अपनाना है, किसी भी मेथड को स्किप नहीं करना है। जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, तभी आपको पता चलेगा मैं इस वीडियो में क्या आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं बीच में, तो बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो आपसे स्किप हो जाएंगे, फिर आपका वेट उस तरीके से इंक्रीज नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो करें, वहाँ पे आपको डेली हेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको कैलोरी सरप्लस डाइट को फॉलो करना है। अब यहाँ पे कैलोरी सरप्लस डाइट से मतलब ये है कि जो भी आप फूड लेंगे तो उसके अंदर जो कैलोरीज होगी, जब आप पूरा बॉडी वर्कआउट कर लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी की डेली नीड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी आपकी जो बॉडी में कैलोरीज होंगी वो सरप्लस में होनी चाहिए। यहाँ पे बात आती है आपकी डाइट में कितनी कैलोरीज सरप्लस होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 700 से लेके 1500 रिकमेंडेड कैलोरी सरप्लस डाइट को फॉलो करेंगे अगर आप 21 डेज तक, तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो कैलोरीज हैं वो कोई आपके जंक फूड से या फास्ट फूड से नहीं आनी चाहिए, जितनी भी कैलोरीज हैं आपकी आनी चाहिए आपके मैक्रोस से जो प्योरली हेल्दी हों, जैसे कि गुड कार्ब्स जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं, साथ ही साथ गुड फैट जिसमें नट्स वगैरह आते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोटीन, लीन प्रोटीन जैसे कि मीट, चिकन, फिश, एग्स एक्सेट्रा। आपको इन फूड से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है, हो सके तो आपको बीच बीच में स्नैक्स भी लेने हैं, और जब भी आप स्नैक्स लेंगे तो उसमें आप नट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि नट्स में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, साथ ही साथ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ मसल ग्रोथ के लिए, जिससे आपका मसल मास भी इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा लेकिन आपका फैट इंक्रीज़ नहीं होगा। ये एक बहुत हेल्दी तरीका होता है वेट इंक्रीज़ के लिए। आप जो भी कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करें उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी कैलोरीज को ज़रूर काउंट करें, और कैलोरीज काउंट करने के लिए मैंने पहले ही
ऐप्स के ज़रिए आपको बता रखा है कैसे कैलोरीज आप काउंट कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, मैंने फिटनेस ऐप्स की एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कैलोरी काउंटर की वीडियो पूरी आपके लिए बना रखी है, जिसमें मैंने ऐप्स के बारे में बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें जिससे आप अपनी कैलोरीज को इजीली काउंट कर सकें, ट्रैक कर सकें। आपको ये प्रोसेस 1 वीक तक करनी है। 1 वीक के बाद आपको एक ओवरऑल एस्टीमेट हो जाएगा कि आप किस तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप कैलोरी सरप्लस कितना फॉलो कर रहे हैं अपनी डाइट में, और उस डाइट को कंटिन्यू करिए 21 डेज तक और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, जो भी आप कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करेंगे वो आपके गुड मैक्रोस से आना चाहिए, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड फैट और साथ ही साथ लीन प्रोटीन है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक कैलोरी सरप्लस हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। दोस्तों जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, और प्रोटीन इंटेक अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट से लेके 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट तक आपको बढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको घबराना नहीं है प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने से। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो घबराते हैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से, सोचते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिसेंट स्टडीज़ में ये पता चला है कि अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो जो उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो आपके मसल मास में कन्वर्ट होती है, ना कि फैट में। तो यहाँ पे आपको विन विन सिचुएशन है। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो आपका मसल मास इंक्रीज होता है, मसल मास इंक्रीज होने से आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ आपका वेट भी इंक्रीज होता है। जो मैंने आपको डेली वैल्यू बताई है उतना आपको प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना है, और आप अगर 21 डेज तक इस डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है दोस्तों कि आप कहां से प्रोटीन ले सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है, लेकिन अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है तो आप ज़रूर वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन को एज ए सप्लीमेंट ही लें। ज़्यादातर आप नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन लेने की कोशिश करें जितना हो सके, अगर नहीं हो पा रहा तो आप वे प्रोटीन भी ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो तीसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको 3 मील्स पर डे कंज्यूम करनी है, और 3 मील्स पर डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना वेट इंक्रीज करना है हेल्दी तरीके से। लेकिन जो तीनों मील होंगी वो आपकी आनी चाहिए गुड फूड से, मतलब कि गुड डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए, लीन प्रोटीन होना चाहिए और साथ ही साथ गुड फैट होना चाहिए। अगर ये तीनों मैक्रोज आपकी डाइट के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो ज़रूर इंक्रीज होगा। तो इन तीनों मैक्रोज को आपको साथ में लेके चलना है बहुत अच्छे तरीके से, और आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो अपने मील के लिए बैठते हैं तो उससे पहले वो वाटर ड्रिंक करते हैं, जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है अगर आपका एम आपका वेट गेन करना है हेल्दी तरीके से, आपका मसल मास इंक्रीज करना है हेल्दी तरीके से। तो दोस्तों आपको वाटर ड्रिंक नहीं करना बिफोर द मील, क्योंकि अगर आप वाटर ड्रिंक करते हैं जस्ट बिफोर द मील तो आपका हंगर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से आप कम फूड को इंटेक करते हैं और जो आपका वेट इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए आपको वाटर को आफ्टर मील कंज्यूम करना है, बिफोर द मील नहीं करना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों एक और चीज़, आपको स्नैक्स कंज्यूम करने हैं, और स्नैक्स के अंदर आपके नट्स होने चाहिए, जैसे कि कैश्यू, एलमंड्स और पीनट्स, इस टाइप के नट्स होने चाहिए, जिसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है ड्राई फ्रूट्स के अंदर। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो आप डेट्स ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके वेट गेन के लिए, हेल्दी वेट गेन के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 3 मील्स पर डे कंज्यूम करनी है, और जो 3 मील्स होंगी उसके अंदर जो मैंने मैक्रोज आपको बताए हैं वो होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्नैक्स लेना है, और जस्ट बिफोर द मील आपको वाटर ड्रिंक नहीं करना किसी भी हालत में। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको वेट ट्रेनिंग अवॉइड नहीं करनी। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जिम में वेट ट्रेनिंग को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको वेट ट्रेनिंग अवॉइड नहीं करनी है। अगर आपने जिम में ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वेट लिफ्टिंग ज़रूर करनी है। वेट लिफ्टिंग में आपको कंपाउंड वर्कआउट्स ज़रूर करने हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, इस टाइप के वर्कआउट्स आपको ज़रूर करने हैं, और
हर रैप्स में आपको वेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम गए और आपने 25 केजी का डंबल या 50 केजी की रॉड उठा दी, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आपको फॉलो करना है हैवी वेट लो रैप रेंज, जिसके अंदर जैसे जैसे आपके सेट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपको अपने वेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना है। वेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने का मतलब है कि अराउंड 0.5 से लेके आपको 1 केजी तक हर एक रैप रेंज में इंक्रीज करते जाना है वेट को, ना कि डिक्रीज करना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वेट ट्रेनिंग एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है अगर आपको अपना हेल्दी वेट गेन करना है, मसल मास को इंक्रीज करना है, एक अच्छे शेप में आना है, तो आपको वेट ट्रेनिंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक रही कार्डियो की बात, तो अराउंड आपको 1 वीक में सिर्फ 2 टाइम्स ही कार्डियो करना है, सिर्फ 2 दिन आपको कार्डियो करना है, उससे ज़्यादा कार्डियो नहीं करना अगर आपका एम आपका वेट इंक्रीज है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कार्डियो को लिमिट में रखना है, एरोबिक वर्कआउट्स को लिमिट में रखना है। एरोबिक वर्कआउट्स में आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, मिनिमम रखना है। ज़्यादातर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है अगर आपका एम वेट इंक्रीज करना है। दोस्तों जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपको अपनी स्लीपिंग आवर्स को इंक्रीज कर देना है। अराउंड 7 to 8 hours मिनिमम आपको स्लीप करना है, और वो भी बिल्कुल साउंड स्लीप, जिसमें कोई भी आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और आप आसानी से सो सकें। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं जब आप स्लीप कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आपके हार्मोन एक्टिव होते हैं, इसलिए आपको अराउंड 7 to 8 hours की स्लीप लेनी है। दोस्तों हमारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए स्लीप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छे से सोएं, साउंड स्लीप लें बहुत अच्छे से। 7 to 8 hours की स्लीप आपको मिनिमम चाहिए अगर आपका एम वेट गेन करना है, एक हेल्दी वेट गेन करना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग नहीं सोते उनका भी वेट गेन होता है, लेकिन वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, वो उनका फैट एक्यूमुलेशन होता है फैट सेल्स में, ना कि उनका मसल मास इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें कि वेट गेन, एक हेल्दी वेट गेन अलग है और एक अनहेल्दी वेट गेन अलग है। जंक फूड से बनाई हुई बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो आप एक गुड फूड से जो बॉडी बनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है, अगर आपको 5 केजी तक मसल मास इंक्रीज़ करना है विद इन 21 days, तो जो मैंने स्टेप्स आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।